मौसम बहुत सुहाना है और मेरे पीछे हेलो जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राणजीत एक्सप्लोर। तो एक्चुअली बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने पर नहीं गए, तो लाइफ एकदम बोरिंग हो चुका है। तो आज संडे का दिन है, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया है कि गौरीपुर पे एक गांव है, तो वहां पर मतलब 100 साल या 200 साल पुराना एक पेड़ है, तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो पहले चलते हैं, थोड़ा बाइक राइड पे हम लोग चलेंगे, मेरा और एक दोस्त आने वाला है। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, धुबरी मेडिकल कॉलेज आ गया। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, तो न जाने कितने स्टूडेंट्स के सपने इस मेडिकल कॉलेज से जुड़ने वाला है। इधर आप देख पा रहे हैं तो उसे झगड़ा भी बोलते हैं इधर के लोकल्स। एक्चुअली में ये झगड़ा पहाड़ इलाका है, तो इसलिए उसे झगड़ा भी बोलते हैं। और इस तरफ देखिए, ये है रेडियो सेंटर, बहुत ही पुराना है। ये आप रेडियो सेंटर के टावर देख पा रहे हैं। तो चलिए भाई, आज का मौसम बहुत सुहाना है और मेरे पीछे ये हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। तो चलिए 100 साल पुराना पेड़ देखेंगे, चलते रहिए मेरे साथ। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम धुबरी से गौरीपुर हाईवे से नहीं, बल्कि झगड़ापुर के बीच से जो रास्ता गया है उस रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत शांति है, रोड भी काफ़ी अच्छा बना है और हाईवे पे बहुत धूल है, तो हमने यही चूज़ किया है आज। उस तरफ देखिए, उस तरफ आप लोग येलो कलर के बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो एक्चुअली में वो बीएड कॉलेज है। तो यहाँ के लोकल्स, जो भी आसपास के स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग भी मास्टर बाबू बनना चाहते हैं, तो वो लोग इस कॉलेज में आकर पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो बाइक राइड पे चलते चलते हम अब बीच पे आ चुके हैं। तो ये झगड़ापुर के मिडिल पे एक ब्रिज है, तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फी क्लिक करेगा, करने दीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। हमारे दोस्त लोगों का फोटो खींचना कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं।
चलते गौरीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। एक्चुअली में हम लोग आज इस रास्ते से आए हैं, ये रास्ता गौरीपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक से होते हुए हाईवे से कनेक्ट होता है। और ये है प्रमोतेश बरुआ कॉलेज, जो जिसे पीबी कॉलेज बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने बीकॉम ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। तो आखिरकार हम अब वो जगह पर आ चुके हैं। ये पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो यहाँ का गांव का जो आदमी है, उन लोगों का मानना ये है कि ये पेड़ तकरीबन 100 साल 200 साल पुराना है। ये देख सकते हैं। मुझे आज कोई गांव का या लोकल्स यहाँ पर नहीं दिखा, तो इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया। तो मैं पहले भी एक दिन इस जगह पर आया था, तो मुझे तकरीबन 10-15 आदमी ने मुझे बताया था ये पेड़ करीब 150 साल या उससे भी ज़्यादा उम्र है इस पेड़ का। तो ये आप देख पा रहे हैं। और इधर एक मंदिर भी है सामने पेड़ के पीछे। इस पेड़ का जो टहनी है, इसे देखने से भी ये लगता है कि ये पेड़ बहुत ही पुराना है, लेकिन इसे ये साबित नहीं होता कि ये 100 साल या 200 साल पुराना है। तो मुझे गाँव के जो लोकल्स है, उन लोगों ने मुझे बताया था। ये आप मंदिर आप देख पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोगों ने आज हमारे साथ देखा। तो अब अंधेरा होने वाला है। अब हम आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक देखते रहिए मेरे साथ प्रांजीत एक्सप्लोर।